मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो मैं बैठा हूँ, मेरा पास में बैठा है राकेश जैन जी, जो महासती मैना सुंदरी प्रस्तुत कर रहे हैं टीवी चैनल का, जो पारस चैनल में जो बना रहे हैं। और इस पे सबसे बड़ी बात जो है, आफ्टर लॉन्ग टाइम आशा भोसले जी एंड बापी लहरी कॉम्बिनेशन फर्स्ट टाइम होने जा रहे हैं। और मैं आशा जी के लिए एक ही बात कहूँगी, जो आशा जी 300 गाना मेरा सबसे ज़्यादा गाना गाए आर डी बर्मन से ज़्यादा, तो आशा दीदी एग्री किया है और उनको गाना बहुत पसंद आया। महाशक्ति मैना सुंदरी का गाना सुन के मैं सीधी भेजा था, बहुत पसंद आया। मैं मेरा तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और महाशक्ति व मैना सुंदरी जो गुरु जी हैं उनका भी आशीर्वाद चाहिए। और मेरा पास में बैठा है पुलक सागर जी महाराज, उनको मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। और रंजीत शर्मा जी बैठे हैं पास में, जिन्होंने मेरा साथ 2-3 पिक्चर कर रहे हैं और इसमें भी हैं। तो मैं चाहता हूँ बस आप लोग ये सीरियल जरूर देखें, महासती मैना सुंदरी, जिसका गाना मैं और आशा दीदी रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। आज मैं कुछ आज का दिन बहुत अच्छा है, तो उसके लिए आज का दिन में मैं कुछ पोर्शन मेरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और काल दीदी आ रहे हैं 5 बजे, आशा दीदी गाना रहेगी। तो बस मैं आज का ये फंक्शन जो है डेडिकेटेड टू महासती मैना सुंदरी। मिला की कहानी है, भाग्य की कहानी एक ये है, और भाग्य प्रधान इसको इस कहानी में इसका कथानक ये है कि एक भाग्य प्रधान कहानी है। नहीं, आशा दीदी आज आने वाली थी लेकिन पूना से आई हैं तो थोड़ा थक गए, तो आशा दी के तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। आशा दी का जो एज है तो उनका लिए तो देखिए, जैसे मेरा गाना है इंतहा हो गए इंतज़ार की, आई ना वो खबर मेरे यार की। तो इंतहा हो गए कि दीदी के लिए कुछ बात ही नहीं है, दीदी आए आप लोग को साथ काल मिलेंगे, जो जो आप लोग को प्रेस कहाँ आ सकते हैं आइए। और दीदी बोली है काल बापी मैं थोड़ा थक गया, बहुत दिन बाद तेरा साथ गाना गा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ अच्छी तरह से वॉइस को थोड़ा सेव करके मैं गाना गा रहा हूँ। महासती मैना सुंदरी को मेरा सत सत प्रणाम।